नाउ चिल्ड्रंस, वी डिस्कस सॉयल इरोजन कंजर्वेशन। इसमें हम लोग बात करेंगे सॉयल कंजर्वेशन का। तो चिल्ड्रंस, वी नो दैट सॉयल इज फॉर्म एंड इस फॉर्मेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस। जो वेदरिंग प्रोसेस होता है वो काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। तो द प्रोटेक्शन ऑफ द सॉयल इज कॉल्ड सॉयल कंजर्वेशन। जो हम लोग सॉयल को प्रोटेक्ट करते हैं उसका इरोजन होने से, हम इरोजन में नष्ट होना, बेकार हो जाना, तो उससे हम लोग सॉयल कंजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। ए प्रोसेस ऑल्सो हेल्प द मेंटेनिंग द सॉयल फर्टिलिटी। उससे क्या होता है, सॉयल का जो फर्टिलिटी होता है वो हमारा सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है। एंड सॉयल इज द वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, बिकॉज विदाउट सॉयल आवर लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो हाउ वी आर फर्स्ट सम स्टेप टू कंजर्व इट, पहला प्लांटिंग मोर ट्रीज, ठीक है। दैट इज कॉल्ड प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, इट इज कॉल्ड एफोरेस्टेशन, ठीक है। तो बाई एफोरेस्टेशन द प्लांट रूट और ट्रीज रूट कंजर्व द सॉइल इरोजन बाय होल्डिंग द सॉइल पार्टिकल्स बाय द रूट्स ऑफ प्लांट। प्लांट का रूट्स क्या करता है, सॉइल पार्टिकल्स को पकड़ के रखता है, ठीक है। डज नॉट अलाउ टू फ्लो बाय वाटर एंड ब्लोन बाय एयर एंड द सॉइल विल बी कंजर्व। नेक्स्ट है प्लांटिंग ग्रास एंड ए स्मॉल प्लांट इन ओपन फील्ड। कहीं भी कोई ओपन फील्ड होता है, बेयर सॉइल इन ओपन फील्ड कैन बी इरोड इजीली। यदि वो बेयर रहेगा, मतलब कुछ नहीं रहा, खाली जमीन रहा, ठीक है, तो द सॉइल इज इरोजन टेक प्लेस इन लार्ज अमाउंट। सॉइल इरोजन हम लोग का जो होता है काफ़ी ज़्यादा होने लगता है। तो वी मस्ट बी प्लांटिंग ए स्मॉल ट्रीज एंड ग्रास इन द बेयर फील्ड। प्लांटिंग ग्रास एंड ए स्मॉल प्लांट्स इन सच फील्ड हेल्प इन रिड्यूसिंग द सॉइल इरोजन। फार्मर्स यूजली डू दिस आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड बिफोर राइजिंग ए न्यू क्रॉप। जैसे हार्वेस्टिंग करने के बाद या क्रॉप्स के इस सब के बाद फार्मर्स छोटा छोटा पौधा लगा देते हैं। नेक्स्ट है आपका चेकिंग ऑफ ओवर ग्रेजिंग, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल एक्सपोज द सॉइल एंड मेक इट मोर एंड प्रोन टू इरोजन, ठीक है। हैंस फार्मर मस्ट प्रिवेंट द ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल। तो वी मस्ट बी अवॉइड द ओवर ग्रेजिंग। इन ओवर ग्रेजिंग द सॉइल इज एक्सपोज, ठीक है, रिमूविंग द प्लांटेशंस और ग्रासेस। क्या होता है, यदि हम लोग एक ही जमीन पे बार बार कैटल्स को ग्रेज करवाते हैं तो वो सॉइल एक्सपोज हो जाता है, ऊपर आ जाता है, एंड इट इज इंक्रीज द सॉइल इरोजन। नेक्स्ट है प्रैक्टिसिंग ट्रैश फार्मिंग। जैसे क्या होता है, ट्रैश फार्मिंग होता है हिली एरिया में, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, उसमें ट्रैक्स बनाते हैं, लाइक द एस्टाइल सीढ़ी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वी आर यूजिंग दिस ट्रैश फार्मिंग इन द स्लोप ऑफ हिल। इट इज रिड्यूज द स्पीड ऑफ वाटर। जो हिल से वाटर आता है उसके स्पीड को रिड्यूज कर देता है, एंड द लॉस ऑफ सॉइल इज स्लो डाउन। जिससे क्या होता है, सॉइल का लॉस होना, वहाँ से स्पीड बहना आना, वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका ट्रैश फार्मिंग। ट्रैश फार्मिंग स्लो डाउन द स्पीड ऑफ वाटर वाइल द फ्लोइंग डाउनवर्ड अलोंग द स्टेप एज ए रिजल्ट। इंस्टीड ऑफ कैरिंग द सॉइल फार अवे, इट डिपोजिट सम ऑफ इट्स ऑन द स्टेप्स, ठीक है। तो उससे क्या होता है, स्लो हो जाता है। नेक्स्ट है आपका बिल्डिंग ऑफ डैम्स एंड इम्बकमेंट्स, ठीक है। डैम बनाना या उससे बाउंड्री देना रिवर्स के आसपास। तो डैम्स आर ए स्ट्रक्चर बिल्ट अक्रॉस ए रिवर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द रिवर। रिवर का फ्लो कोई करना, बिल्डिंग डैम एज इम्बकमेंट। वो क्या करता है, फ्लो ऑफ द वाटर, द स्पीड ऑफ वाटर इन द रिवर इज डिक्रीज एंड अवॉइड और सेव द सॉइल फ्रॉम इरोड, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ग्रोइंग विंड ब्रेकर्स, ठीक है। विंड ब्रेकर्स मीन्स वी आर प्लांटिंग ट्रीज और हर्ब सर्व्स, ठीक है, इन द फील्ड। फील्ड कोई है उसके चारों हम लोग छोटा छोटा पौधा लगा देते, तो क्या करता है, इट विल बी रिड्यूस द स्पीड, दैट इज कॉल्ड विंड ब्रेकर्स। सम फार्मर्स ग्रो ट्री और हेज अराउंड देयर फील्ड टू कैरी क्रिएट ए शील्ड अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विंड को वो रोक देता है। दीज शील्ड्स आर कॉल्ड विंड ब्रेक, ठीक है। एज दे रिड्यूस द स्पीड ऑफ द विंड व्हिच इन टर्न ब्रिंग डाउन द अमाउंट ऑफ सॉइल बाय ब्लोन अवे। जिससे क्या होता है, बैरियर का काम करता है। जैसे हम लोग बाउंड्री है, ये फील्ड है,
इसमें का के चारों ओर हम लोग छोटा छोटा पौधा, जैसे हेज एक पौधा होता है लगा देते हैं, या स्मॉल ट्रीज हम लोग यूज करते हैं, तो कहते हैं स्पीड ऑफ द विंड विल बी डिक्रीज, विंड का स्पीड क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, एंड डज नॉट अलाउ द टॉप मोस्ट सॉइल टू ब्लोन बाय एयर।